वात्सल्य फाउंडेशन द्वारा सखी सैनिटरी नैपकिन के नए यूनिट का आज उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। वात्सल्य फाउंडेशन द्वारा सखी सैनिटरी नैपकिन के नए यूनिट के उद्घाटन समारोह का आज आयोजन किया गया। जाहिर सी बात है कि महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन काफी उपयोगी साबित होते हैं, तो वही महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन के साथ महिला उद्योग के साथ रोजगारी का भी स्थान प्राप्त करने के साथ स्त्रियों की स्वच्छता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक समान ये सखी सैनिटरी नैपकिन के नए यूनिट का आज उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। भायली विस्तार में सखी सैनिटरी नैपकिन के नए यूनिट का उद्घाटन करते हुए आज ये कार्यक्रम का आयोजन करने के साथ स्थानीय विधायक अकोटा की सीमाबेन मोहिले, डेप्यूटी मेयर नंदाबेन जोशी सहित कई महानुभव उपस्थित रहे थे। जाहिर सी बात है कि ये यूनिट के जरिए आर्थिक रूप से जरूरतमंद वैसी बहनों को काफी रोजगारी प्राप्त हो सकेगी। ये यूनिट का मुख्य उद्देश्य कोरोना काल के दौरान जो लोगों द्वारा अपने घर में रोजी रोटी प्राप्त करने के लिए सक्षम नहीं है, वैसी घर की महिलाओं के लिए रोजगारी पूरी करने के लिए ये यूनिट का निर्माण किया गया है। जहाँ आज आयोजित किए गए ये कार्यक्रम के तहत रोटरी क्लब के बड़ौड़ा के कई महानुभव भी उपस्थित रहे थे। નમસ્તે, હું સ્વાતિ બેડેકર વાત્સલ્ય ફાઉન્ડેશનમાંથી, અને આજે હું રોટરી ક્લબ ઓફ વડોદરા હેરિટેજની પ્રેસિડેન્ટ શિપ મને મળી છે, એનો કાર્યભાર મેં લીધો છે, અને અમે બંને સંસ્થાને સાથે મળીને એક સેનિટરી નેપકિન મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ ખોલા હે, જે ખાસ કરીને કોવિડ હિટ ફેમિલીઝ હૈ એમના માટે રોજગાર ઉત્પન્ન થાય તે માટે, કે જ્યાં ગામની બહેનો એમાં કામ કરીને લાઇવલીહુડ કમાવી શકે, પોતાનું ઘર બાર છોકરાઓને સંભાળી શકે. આવા યુનિટોમાં બનતા સેનિટરી નેપકિન્સ અમે આ વડોદરા શહેરની બહેનોને ફ્રીમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીએ છીએ, જેથી એમનું પણ સ્વાસ્થ્ય સુધરે સંભાળે. અને આવા સમાજ ઉપયોગી કામોમાં વડોદરા ક્લબ ઓફ રોટરી ક્લબ ઓફ વડોદરા હેરિટેજ અને વાત્સલ્ય ફાઉન્ડેશન કાયમ કાર્યરત રહેશે.